बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब भर के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा और दीगर मुतालबात की मंजूरी के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट बारे आपको बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी मुलाजमीन अपने जायज़ मुतालबात के हक़ में काफ़ी अरसा से सड़कों पर हैं। अब वक्त आ चुका है कि उनके जायज़ मुतालबात को तस्लीम किया जाए। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक पंजाब भर के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा और दीगर मुतालबात की मंजूरी के हवाले से सेक्रेटरी ख़जाना ने कहा है कि आइंदा हफ्ता सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% का इजाफा, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, चंद दिन कबल सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात की मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आला हाउस के सामने सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाजी धरना दिया था, जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानब से मुतालबात हल करवाने की यकीन दहानी पर धरने को ख़त्म कर दिया था, जिसके बाद सरकारी मुलाजमीन की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई है, जिसकी तफसील कुछ इस तरह से है। लेकिन उससे कबल गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और मज़ीद मालूमात के लिए अपने भाई के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, सरकारी मुलाजमीन के तंजीमी अहदेदारान ने बताया है कि सेक्रेटरी ख़जाना के साथ मीटिंग हो चुकी है, जिसमें सेक्रेटरी ख़जाना ने ग्रीन सिग्नल देते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब से बात हो चुकी है और रवां हफ्ते के दौरान 15% डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस रनिंग बेसिक पे पर एन वफाक के मुताबिक 1/3/2022 से देने का मुतालबा को बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जबकि बाकी मुतालबात को 30 दिन के अंदर अंदर मज़ीद मस्बत समरी तलब करके हल कर दिए जाएंगे। मौजूदा 15% डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस के अलावा दीगर मुतालबात में शामिल सबका 25% स्पेशल अलाउंस को मौजूदा बुनियादी तनख्वाह पर दिया जाना, जिस बारे सर्विस ट्रिब्यूनल का मुस्बत फैसला भी सामने आ चुका है, और ये इजाफा जिससे सरकारी मुलाजमीन महरूम रह चुके हैं उन तमाम सरकारी मुलाजमीन को भी ये इजाफा दिया जाए। मुलाजमीन की प्रेस रिलीज़ में ये भी कहा गया है कि वो सरकारी मुलाजमीन जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, कॉलेज या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, जिनका पे एंड सर्विस स्ट्रक्चर का मामला है, जिसका फैसला पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल से भी जारी हो चुका है, जिसके ऐन मुताबिक इस मामला को 30 दिन के अंदर अंदर रिजॉल्व कर लिया जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट में मौजूद लेडी हेल्थ वर्कर्स की अपग्रेडेशन का मामला भी 30 दिन के अंदर अंदर हल कर लिया जाएगा, और इसके अलावा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लैब अटेंडेंट, जिसका स्केल 1 है, कि अपग्रेडेशन का मामला भी अनकरीब हल कर लिया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकारी मुलाजमीन की ये मुतालबात 1 माह में हल हो जाएंगे? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।